वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब है डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी GMC जम्मू में। यहाँ पे ही हमने COVID-19 टेस्टिंग स्टार्ट करी हुई है। 8 मार्च को ये शुरू किया गया था। जो जीन एक्सपर्ट हमारे ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज़ होता था उसके लिए कस्टमाइज्ड कार्ट्रिजेस COVID-19 के लिए भी भेज दिए और हमने कल पहला ट्रायल उस पर कर लिया और पहले 20 टेस्ट भी कर लिए। उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा हमारी इमरजेंसी और सर्विसेज पे। जैसे वो टेस्ट ऑलमोस्ट 1 घंटे में आ जाता है, तो प्री ऑपरेटिव केसेस में जैसे हमारे सीजेरियंस हो रहे थे या डॉक्टर्स को काफ़ी अप्रीहेंशन थी, और आज ही कुछ रैपिड टेस्ट्स वो भी हमने रिसीव कर लिए हैं, लेकिन उनका मकसद डायग्नोस्टिक ज़्यादा नहीं है। उससे हमें पता चल पाएगा कि रेड जोन्स में कितना वायरस, शायद हमारी नॉलेज के बिना, शायद हम वैसे तो बिल्कुल पेशेंट को पहचानना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा मॉलिक्यूलर एपिडेमियोलॉजिकल ट्रैकिंग का, और हम बिल्कुल पेशेंट्स जो खुद आ रहे हैं हमारे सामने, जिनकी इनिशियली ट्रैवल हिस्ट्री थी, गाइडलाइंस के मुताबिक हम टेस्ट कर रहे थे, फिर उनके कॉन्टैक्ट्स अच्छे से ट्रैक कर पा रहे थे, और ऐसा लग रहा है कि हम इन्फेक्शन कंटेनमेंट अच्छे से कर भी पा रहे हैं। तो ये जो रैपिड टेस्ट आए हैं इनकी हम शायद आज शाम को ही प्लान कर लेंगे, आज ही पहुँचें और कल ट्रेनिंग भी कर देंगे। उससे हमें ये पता चल जाएगा कि वायरस ऐसा तो नहीं है कि हमारी नॉलेज के बिना कहीं छोटी कम्युनिटीज़ में, जिनको हम रेड जोन्स कह रहे हैं, कहीं कम्युनिटी में थोड़ा बहुत एस्टेब्लिश हुआ हो, तो उससे सीरो प्रेवलेंस देख सकेंगे। कि कुछ लोगों में अगर वायरस की एंटीबॉडीज़ पाई जाएंगी तो हमें पता चलेगा कि वायरस कम्युनिटी में थोड़ा सा फैल चुका है, वो नॉलेज भी हमें होने लगेगी। नहीं तो डायग्नोस्टिक के लिए रियल टाइम PCR जो हमारा यहाँ चल रहा है, और पहले तो मेन डिपार्टमेंट में चल रहा था, अभी हमारी थोड़ी एक्सटेंशन सर्विसेज जैसे IIIM में एक हमने अच्छा सा काउंटर एस्टेब्लिश किया, हमारा ह्यूमन रिसोर्स वहाँ से भी हमें काफ़ी मदद मिल रही है, और अब हम चेस्ट डिजीज में कल से CBNAT कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट जो होता है काफ़ी